बड़ी खबर जो कि यूपी से है, एटीएस को मिली है बड़ी कामयाबी। गोरखपुर से यहां पर मर्चेंट नेवी की गिरफ्तारी हो गई। मर्चेंट नेवी कर्मचारी है जिस पर शक है जासूसी का, राम सिंह नाम इसका बताया जा रहा है। पाकिस्तानी महिला को खुफिया जानकारियां देता था। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य की फोटो भी इसने शेयर की थी। न सिर्फ फोटो बल्कि कई जरूरी जानकारी शेयर की गई। गोरखपुर का ये रहने वाला राम सिंह जो कि मर्चेंट नेवी कर्मचारी है, और जानकारी ऐसी है कि ये मेंटेनेंस का काम करता था। एटीएस को ऐसी जानकारी मिली, ऐसा शक था और ऐसे सबूत हाथ लगे जिसमें जासूसी की जानकारी सामने आई, और इसी जासूसी के आधार पर जब सबूत हाथ लगे तो राम सिंह की गिरफ्तारी अब हो गई है। कई बड़े राज खुलने वाले हैं। गोरखपुर के रमुआपुर में मौजूद हूं मैं, और यहां पर राम सिंह को अचानक शाम में एटीएस की टीम लखनऊ से आती है और पूछताछ करने के बाद तकरीबन 6 बजे उसे अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो जाती है। 28 साल के राम सिंह को एटीएस क्यों लेके जाती है, पूरा गांव ये सवाल कर रहा है। फिलहाल आप देखेंगे कि मैं मौजूद हूँ। राम सिंह की माता जी आशा कार्यकर्ती हैं और उनके पिताजी नहीं हैं। राम सिंह कुछ दिन पहले मुंबई कमाने गया था, वहाँ से लौटा है और यहाँ के लोगों का मानना है कि वो काफ़ी अच्छा है। आप क्या कौन है उसके, राम सिंह के बाबा? बाबा हैं आप? राम सिंह को आप बाबा हैं, आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। बचपन से कैसा लड़का था, किस तरह से बातचीत करता? बहुत सही लड़का है, पूरे गांव के लोग से पूछिए, बहुत सही लगता। दो पुलिस आए, एक सादे ड्रेस में थे, वो बैठा कर उसको ले चला गया और उसका मोबाइल भी निकाल कर ले लिए और ले गए थाने पर। और थाने पर कुछ पूछ जाँच हुआ, उसके बाद ले चले गए। आप लोग से कुछ नहीं पूछे, ये बताइए आप कौन हैं राम सिंह की? राम सिंह की मैं चाची हूँ। हाँ। वह बहुत अच्छा लड़का है, उसको झूठी फंसाया गया है। वह थी यहाँ पर खाना उना बनाता था, उसके बाद वह कमाने गया, कमाने के बाद हमको नहीं पता क्या कर किया क्या नहीं, लेकिन वह हमारे देखने से वह लड़का बहुत अच्छा है, पूरे गांव में आप पता कर लीजिए, वह बहुत अच्छा लड़का है। तमाम तरह के जो सवाल है यहाँ के लोगों के, उनके परिवार के लोगों से वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन एटीएस को जो इनपुट मिला था, एटीएस ने के पास जो पाकिस्तान से जो फंडिंग आने का जो मामला था उसको लेकर एटीएस यहाँ पर पहुँची थी और राम सिंह से पूछताछ करने के बाद उसे अपने साथ लेके गई है और अभी पूरी तरह से उससे पूछताछ कर रही है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। फिलहाल एटीएस की जांच तक राम सिंह उनके पास ही है और जब जांच पूरी होगी तब जा करके ये पूरा मामला सामने आएगा कि पाकिस्तान से फंडिंग और उसके कनेक्शन का ये पूरा मामला क्या है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। सुशील कुमार गोरखपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुशील, मैं आपका रुख कर लेता हूं। सुशील, जो जानकारी मिल रही है, पिपराइच के आसपास का रहने वाला ये शख्स राम सिंह है और ये मेंटेनेंस के काम में था, इंसुलेशन के काम में था, इसने क्या क्या शेयर किया है, क्या इसके अकाउंट में पैसा भी आया है, और पैसा आया है तो क्या इसने उस महिला के कहने पर पैसा आगे भी दिया है, विस्तार से बताएं जानकारी। देखिए राजीव जी, बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि पिपराइज के रमुआपुर का ये पूरा मामला है जहां पर राम सिंह जो है अपनी माता के साथ रहता है, क्योंकि उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसकी माता से आशा कार्यकर्ती है। ऐसे में कुछ साल पहले वो गोवा कमाने गया था और वहां पर शिप पे जो है मर्चेंट नेवी के तौर पर वहां पे काम कर रहा था, और चूंकि बताया जाता है कि चूंकि शिप पर हर समय कभी न कभी कुछ हाईटेक विमान जैसे विक्रमादित्य और जो है आईएनएस विक्रांत, इस तरह के जो जहाज थे वो आते थे, लड़ाकू जहाज, उनकी वो फोटोग्राफ भी खींच करके जो है वहां पर भेजता था उस महिला को, और उस महिला के जरिए इसके अकाउंट में बहुत पैसे आए थे, जिसको लेकर के उस महिला के द्वारा कहने पर इसने कई के जो एजेंट थे उसके साथ, उन एजेंटों को भी ये पैसा ट्रांसफर करता था। तमाम तरह के जो इनपुट मिले थे उसको लेकर जो है एटीएस की टीम गोरखपुर के पिपराइच में पहुंची थी और पहले थाने पर इससे पूछताछ की गई, लेकिन वहां पर ये अलूल मलूल जलूल बातें कहता था। उसके बाद शक होने पर एटीएस इसे अपने साथ लखनऊ ले गई और जब गहनता से जाँच हुई, पूछताछ हुई, तब जाकर के पूरा मामला सामने आया और दर पर दर खुलता चला गया। तब जाके पता चला कि ये जो है आईएसआई से जुड़ा हुआ है और इसके साथ जो वहां शिप पर काम करते थे और भी लोग इसके साथ हो सकते हैं, क्योंकि महिला का कनेक्शन वहां पर और भी लोगों के साथ था, उन सभी लोगों से वो बातचीत करती थी। और प्रयास भी लगाया जा रहा है, राम सिंह अकेला ना हो ये बहुत हद तक संभव है। अभिषेक, एक तो होता है इन जनरल किसी से दोस्ती हो गई, एक दूसरे को सेल्फी भेजी गई या फिर वीडियो कॉल हुई जिसमें कुछ जरूरी जानकारी लीक हो सकती है, लेकिन अगर अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर इंटेंशनली ये सब जानकारी शेयर की गई है, तब तो बड़ा संगीन इल्जाम है।
बिल्कुल राम सिंह ये पहला मौका नहीं, राम सिंह 3 साल से ये कर रहा था। कीर्ति कुमार एक छद्म नाम है, यानी इस नाम का इस्तेमाल करके एक महिला एसआई एजेंट, उसने राम सिंह को ट्रैप किया। ट्रैप किस तरीके से किया, यानी फॉर्मेट क्या था, हनी ट्रैप था, पैसे का लालच दिया गया, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन राम सिंह ने ये शुरुआती बातचीत में कबूला है कि हाँ, कीर्ति कुमारी एक लड़की है जिससे उसकी बातचीत होती है, जिसको उसने नेवल बेस पर, यानी गोवा नेवल बेस से बाकायदा वॉरशिप्स जो आती हैं नेवी की वहाँ पर इंसुलेशन के लिए, जहाँ पर ये पार्ट टाइम वर्कर था, वहाँ पर इंसुलेशन का काम करता था वॉरशिप्स में, उन वॉरशिप्स की अंदर की एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स खींच के दिए हैं, जो संभव नहीं है किसी आम आदमी के लिए खींचना या वहाँ तक पहुँचना। INS विक्रांता, INS विक्रमादित्य समेत कई ऐसे जहाज हैं। यानी अभिषेक आप फिर से पूरी बात बताइएगा, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये नाम खुलकर सामने आए हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल में कितने पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ जो अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑडिट है। और साथ ही साथ ISI ने एक जाल बिछाया जिसमें कई सारे यहाँ पर, यानी ISI के लिए देश में, भारत में काम कर रहे कई सारे खुफिया एजेंट्स को इस राम सिंह के जरिए वो पैसे आगे भी भेजे गए हैं। तो एक बड़ा नेटवर्क है जो राम सिंह के जरिए भी फंडिंग्स प्रोवाइड करवाई जा रही थी। राम सिंह इस नेटवर्क के साथ 3 साल से काम कर रहा था, और जब IB और देश की बाकी एजेंसीज को इस बारे में शुबा हुआ, तब राम सिंह को पिपराइच का, जो रहने वाला है गोरखपुर पिपराइच थाने क्षेत्र का, वहां से इसे अरेस्ट किया गया। पहले शुरुआती बातचीत में ये इनकार कर रहा था, एविडेंसेस जब सामने रखे गए तो इसने एक के बाद एक बातें कबूलना शुरू किया। जी सुशील मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुशील यानी राम सिंह से जो पूछताछ है, इसमें राम सिंह का जो मोबाइल फोन है, अकाउंट जिस बैंक में है, वो बहुत सारे राज फाश कर सकता है, वो उन कनेक्शंस के भी बारे में जानकारी दे देगा जहां पैसा गया, किसके पास गया, तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि आप तक ये पैसा क्यों आता रहा। बिल्कुल राजीव जी, ठीक सवाल किया आपने, क्योंकि उसके एक एक डॉक्यूमेंट को खंगाला जा रहा है, खासकर उसका जो अकाउंट है, उस अकाउंट के जरिए इन सालों में कितने जगह ट्रांजेक्शन किया गया, कितने बार इसके अकाउंट में पैसे आए, कहां से आए, और इसने किस किन लोगों को किया, उन सब लोगों को क्रम संख्यावाद से ATS पूरी तरह से खंगाल रही है। और निश्चित रूप से अभी राम सिंह ये पहला कड़ी यहां पर इस केस में निकला है, राम सिंह के जरिए तमाम ऐसे कड़ी को जोड़ने की ATS कोशिश करेगी और उन सभी लोगों को हिरासत में लेगी और से पूछताछ करेगी, तब जाकर के पता चलेगा कि ये महिला कौन है जिस महिला के जरिए ये पूरा यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम आसपास के जिलों में ये नेटवर्क इनका चल रहा था। और खासकर इस तरह के लड़कों को, जो 28 से 30 साल के लड़के हैं जो इस तरह से काम करते हैं, उन्हें मोटिवेट करके, उनका माइंड वॉश करके, उन्हें अपने चंगुल में फंसा करके, उन्हें प्यार का झांसा दे करके बाकायदे उनको इस चीज में ढकेला जा रहा था। और बाकायदे जिस तरीके से एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स इसके द्वारा भेजे गए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके भी कान खड़े हो गए हैं और पूरे गहनता से इसकी तलाश, इसकी जांच की जा रही है। और निश्चित रूप से ATS को बहुत से ऐसे अहम सुराग मिले होंगे जिसको लेकर कल उसकी मां को भी, यानी जो राम सिंह, मुझे तो ये लगता है कि ये तो उस पॉइंट पर भी गलती और खामी हुई है जहां पर ये शख्स पार्ट टाइम वर्कर होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल करके इतने सिक्योर एरिया में फोटोज खींच रहा था। अच्छा अभिषेक, नियम क्या कहता है, साथ ही साथ मर्चेंट नेवी में कर्मचारी के तौर पर यहाँ मेंटेनेंस का काम करता था, इंसुलेशन का काम करता था, एक्सेस कहाँ तक होता है इस पोस्ट के लोगों को, और क्या जानबूझकर अंदर जाकर या जबरन या चालाकी से एक्सेस लेकर ये जानकारियां उसे साझा की। उस नेवल बेस पर आसानी से एक्सेसिबल है, यानी आसानी से एक्सेस कर सकता है, और ISI ने सोची समझी साजिश के तहत राम सिंह को इसलिए भी ट्रैप किया कि राम सिंह का एक्सेस इंसुलेशन की वजह से उन एरियाज तक है जहां पर नॉर्मली आदमी या कोई भी काम करने वाला कर्मचारी नहीं जा सकता। इंसुलेशन के लिए शिप के बेस तक जाना पड़ता है, शिप के बेस के बाद शिप के डॉक तक जाना पड़ता है, शिप के डॉक के अलावा शिप के बाकी हिस्सों में भी घूमा जा सकता है इंसुलेशन के काम के लिए, लिहाजा वायरिंग्स और बाकी काम के लिए भी कई बार राम सिंह इस तरह के मेजर वॉरशिप्स पर गया है।
और इसीलिए उसे टारगेट करके चुना गया कि अगर राम सिंह को टारगेट किया जाएगा तो उस पर आसानी से शक नहीं होगा, लंबे समय से काम कर रहा है। और फिर राम सिंह को बाकायदा इस बात के लिए गाइड किया गया कि उसे कहां जाकर किस एरिया की फोटोग्राफ्स भेजनी है। राम सिंह ने उससे पहले कभी अपने मोबाइल से शौक में भी कभी फोटो नहीं खींची किसी नेवल शिप की, ये उसने अपने कबूलिया बयान नहीं बताया, तो बाकायदा उसे गाइड किया गया। हाँ, जो आप सवाल कर रही हैं कि गाइडलाइंस और अगर जो पेरिफेरी है नेवल शिप्स की वो ऐसी नहीं है कि कोई भी कहीं पर जाकर फोटो खींच सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर कोई कर्मचारी वहाँ काम कर रहा है उसे पता है कि उसे ये फोटो खींचनी है तो वो फ़ोन छुपा कर ले जा सकता है, वो फ़ोन अपने किसी सामान में ले जा सकता है, उसे बाकायदा ट्रेनिंग भी हो सकता है दी गई हो ISI की तरफ से कि कैसे मोबाइल को ले जाना है। यानी इंटेंशनली ये सब कुछ किया गया ताकि पाकिस्तानी महिला तक ISI तक ये सभी जानकारी पहुँच सके, वो भी मोटी रकम इन सभी के एवज में वसूली गई है राम सिंह के जरिए। लेकिन एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है जैसा अभी सुशील ने इंडिकेशन दिया। सुशील, अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका।